यस बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई समझिए सर, सीए मोहित तापड़िया, राइट। और हम लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ नए 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 मजेदार वीडियो लेके। आज हम वापस से वैसा ही कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये एक कंटिन्यूड पार्ट है हमारे लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्पर्जन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने डिस्पर्जन के दो टॉपिक किए थे, पहला टॉपिक था रेंज और दूसरा टॉपिक था क्वार्टाइल डेविएशन। आज हम उसके बाकी बचे कुछ दोनों टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से पहले टॉपिक का नाम होगा एवरेज डेविएशन, दैट इज मीन डेविएशन, और दूसरे टॉपिक का नाम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट बच्चा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, मजा आए। आपके लिए मैं दोनों के दोनों टॉपिक है भारी भड़कम टॉपिक है सर, दीज आर नॉट एन ईजी टॉपिक, राइट। सो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए भारी भड़कम टॉपिक को ईजी करने का, इंटरेस्टिंग करने का, सिंपल करने का। आपको मैं टॉपिक तो समझाऊंगा सर, उसके साथ में मैं आपको दोनों टॉपिक के कुछ चुने एग्जाम्पल्स करेंगे, गिने चुने एग्जाम्पल्स करेंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है। और वो एग्जाम्पल्स करने के बाद में मेरा अश्योरेंस है, मेरा भरोसा है कि आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नए टॉपिक पे, एंड दैट इज ऑल अबाउट एवरेज डेविएशन। चलिए सब लोग आएंगे मेरे साथ साथ फटाफट। यस, तो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज ऑल अबाउट एवरेज डेविएशन, जिसको कहा जाता है मीन डेविएशन भी, राइट। इसको मीन डेविएशन भी आप बोल सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे मीन डेविएशन के सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा का, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल अपॉन एन। और ये एक्स माइनस एक्स बार मोड्स में रहते हैं सर, मोड्स की कलामती होती है। मोड्स की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि मोड्स आपके नेगेटिव साइन को हटा देता है। मतलब अगर आपके कोई भी डेटा में माइनस का सिंबल है, आपको माइनस का सिंबल नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे मोड्स आ गए, मतलब मॉड्यूलस आ गया है, राइट। वैसे ही ग्रुप डेटा होगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा, खाली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगा दो, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले सीखे हैं। पहला सीखा है अनग्रुप डेटा का, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ नहीं है। दूसरा हमने सीखा है ग्रुप डेटा का, जिसमें एफ आ जाता है। और तीसरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन, दैट इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। ये तीन फॉर्मूले, टॉपिक खत्म। दिस इज एन इजी टॉपिक, राइट। चालू करते हैं, चलिए समझ करना। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 की मैंने सारी तैयारी करके रखी है। मेरे पास गिवन ऑब्जर्वेशन है एक्स, वो एक्स को मैंने टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक्स बार। एक्स बार होता है दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर सिग्मा एक्स इज 480, एन मतलब हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन 8, मेरा एक्स आ गया है 60 kg, राइट। मेरा एक्स बार आ गया है 60 kg, तो आपको नेक्स्ट कॉलम में सारे ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार को मतलब 60 को माइनस करना है। चलिए भैया करते रहते हैं बैठे बैठे। 46 माइनस 60 दैट इज माइनस 14, देन माइनस 2, देन 0, देन 17, 15, देन 6, माइनस 9 और 21। हमेशा 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 एक्स माइनस एक्स बार का टोटल 0 ही आएगा हमेशा। अगर 0 नहीं आया भैया तो तुमने कांड किया है, 100% तुमने कुछ गड़बड़ी की कैलकुलेशन में। इसका हमेशा माइनस करने पर टोटल वैल्यू 0 ही आएगा कंपलसरीली। चलिए अब आपको एब्सोल्यूट में लिखना है, मतलब मोड्स में लिखना है, माइनस के सिंबल हटा दो। सो माइनस 14 बन गया 14, माइनस 2 बन गया 2, या आ गया 0, माइनस 17 बन गया 17, इधर आ गया 15, 6, 9 और 21। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 84, राइट बच्चा। अब हमारा फॉर्मूला मोड्स का, आपको पता है मीन डेविएशन मतलब एमडी, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल अपॉन एन, जहां पे एक्स माइनस एक्स बार था 84 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 8, डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 10.5 kg। दिस बिकम्स योर मीन डेविएशन। और कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, वेयर मीन डेविएशन इज 10.5, एक्स बार इज 60, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.18। क्या आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे, 0.18। याद रहेगा भैया सबको, चकाचक है सब कुछ, इजी है, सिंपल है, डन है एकदम। 0.18 इज योर फाइनल आंसर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। यहाँ पे आपका एक सम खत्म हो गया है मेन डेविएशन का। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब की बार मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल अबाउट डिस्क्रीट। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना पड़ता है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से करूँ तो, शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ मेरी इच्छा हो तो, बट मैंने डायरेक्ट मेथड से करना प्रीफर किया है। तो चलिए एफ एक्स के लिए पहले एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। 10 2 20, 11 8 88, 12 12 144, 13 8 104 और 14 2 28, टोटल हो जाएगा मेरा 384। सो ऊपर आ जाएगा 384
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए 32, सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 12, मतलब मेरा एक्स बार आ गया है 12। अब नेक्स्ट बनाएंगे जहां पे मुझे सारे ऑब्जर्वेशन में से 12 माइनस करना है, तो -2 -1 0 1 2, फिर मुझे इसका एब्सोल्यूट निकालना है तो माइनस हटा दो 2 1 0 1 2, और इस एब्सोल्यूट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय दिस बिकम्स दिस, राइट, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मुझे ये कॉलम बनाना है। चलिए बनाना चालू करता हूं मैं। 2 2 जा 4, 8 वन जा 8, 12 जीरो जा 0, 8 वन जा 8 एंड 2 2 जा 4, टोटल करने पे आंसर आ जाएगा 24, राइट है। सॉरी, सो मेरा टोटल आंसर आ गया है 24। ओके फाइन, चलिए सर क्यूडी निकालते हैं। क्यूडी का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको याद, सॉरी एमडी का फॉर्मूला, मीन डिवीशन मुझे निकालना है। सो मीन डिवीशन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, जहां पे एफ एक्स माइनस एक्स बार था 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 32, सॉल्व करने पे आंसर आ गया 0.75। वैसे ही हम निकालेंगे को एफिशियंट ऑफ क्यूडी, जिसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, मीन डेविएशन था 0.75 और एक्स बार था मेरा 12, सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ गया 0.06, और इसी के साथ मेरा सम समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क कैरी करेगा अगर आपका एमसीक्यू पेपर नहीं हो तो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन, वेरी इजी वन, राइट बच्चा लोग। तो इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 9 भी हमारा खत्म हुआ, हमने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखा दैट इज डिस्क्रीट। अब हम आगे बढ़ेंगे लास्ट टाइप के क्वेश्चन में जिसका नाम है कंटिन्यूअस, राइट। यहाँ पे क्लास आ गई है सर, तो सबसे पहले गिवन क्लास की मिड वैल्यू निकालो, तो 4.5, 14.5, 24.5 एंड 44.5, राइट। चलिए अब फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू एक्स एज ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी 4.5 वन जा 4.5, 14.5 इंटू 2 दैट इज 43.5, देन 196, देन 207, उसके बाद में 89, राइट बच्चा। चलिए टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 540। ओके, अब आपको निकालना है एक्स बार, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, दैट इज 540 डिवाइड बाय एन इज 20, तो अगर इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27, आपका एक्स बार आ गया 27। नेक्स्ट कॉलम एक्स में से एक्स बार को माइनस करिए, हमारा एक्स था पॉइंट वाला, दिस इज माई एक्स, राइट बच्चा। चलिए 4.5 माइनस 27 दैट इज -22.5, -12.5, -2.5, देन 7.5 एंड द लास्ट वन इज 17.5। नेक्स्ट कॉलम में कुछ नहीं है, फालतू कॉलम में माइनस साइन हटा दो, तो 22.5, 12.5, 2.5, 7.5 एंड 17.5, इसको मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी के साथ में, मेरी फ्रीक्वेंसी थी 13862, राइट, मल्टीप्लाई करूंगा सो पहले में आ जाएगा 22.5, दूसरे में 37.5, तीसरे में 20, चौथे में 45 एंड द लास्ट वन इज 35, टोटल गोज टू 160। इतना हो गया तो सम खत्म भैया, यहां तक अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं की है तो मैं आपको 100% बता दूं, तो यहाँ पे गलती नहीं हो सकती अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं किए तो। थोड़ा सा आज मेरा वोकल मैंने कहा था लो रहेगा, यू हैव टू पार्डन मी फॉर द सेम, राइट बच्चा। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल अपॉन एन, जहां पे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना था भैया, ये रहा, इट वॉज 160, एन था हमारा 20, तो चलिए हमें क्या करना है 160 डिवाइड बाय 20, सो 160 डिवाइडेड बाय 20 मेरा आंसर आ गया 8। वैसे ही मुझे निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट, क्वेश्चन में कोएफिशिएंट निकालना है तो अच्छा, वैसे तो इस क्वेश्चन में कहा नहीं, खाली मीन डेविएशन लिखा है, फिर भी आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट में कुछ नहीं करना है, जो भी मीन डेविएशन था उसको एक्स बार से डिवाइड करना है, आपका मीन डेविएशन था 8, आपका एक्स बार था 27, सॉल्व कर दोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 मतलब एक तरीके से आपके इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक भी हो गया है, अब इस चैप्टर में एकमात्र टॉपिक बचा है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सबका बाप है, यस ये टॉपिक सबका बाप है, ये बहुत बच्चों को परेशान करता है, हर बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन में जोर पड़ रहा है, तो भैया नॉट टू फियर, बोथ इज ईयर राइट। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी इजी है सर, टफ कुछ नहीं होता है स्टैट्स में, बस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है, इसलिए मैंने सारे के सारे फॉर्मूले को आपके लिए एक पेज में सजा के रखा है, ठीक है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको कॉपी कर लीजिए, आपको लग रहा है नहीं सर स्क्रीनशॉट में तो आपकी शक्ल भी आ रही है हमें नहीं देखनी है, तो भैया कोई बात नहीं, पेन पेपर उठा के कॉपी कर लो, अच्छी चीज है, मैं खुद प्रिफर करता हूँ कि कॉपी करिए, लिखिए इसको, आपके लिए आराम से है, अगर लिखने में टाइम लग रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो भैया वीडियो पॉज होता है आराम से पॉज करके लिखो, कोई जल्दी नहीं है अपने को,
कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास बेसिकली तीन फॉर्मूले रहेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड, इसके बाद वाले को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और इसके बाद वाले को हम बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। ऐसा कुछ स्कूल करती है वो गलत होती है। मेरे हिसाब से ये दोनों होते हैं डायरेक्ट मेथड, राइट। ये होता है शॉर्टकट मेथड, और इसमें अगर मल्टीप्लाई बाय सी हो जाए तो बन जाता है स्टेप डिवीजन मेथड, राइट। तो आपकी स्कूल क्रिएटिव है, कुछ भी कर सकती है। कुल मिला के ये फॉर्मूला है। ऑनेस्टली देखो तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, खाली एफ लगा दी, राइट। यहाँ एफ लग जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ एफ लग जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ एफ लग जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑनेस्टली अगर देखो तो ये सारे फॉर्मूले सेम है। आप अगर खाली ये तीन फॉर्मूले याद कर लो तो बाकी के तीन तो ऑटोमेटिकली सेम टू सेम है, खाली फ्रीक्वेंसी लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया, अब काम आता है फॉर्मूले को पुट करना। यहाँ पे मैंने करीबन करीबन सारे फॉर्मूले के एक एक सम किए हैं, शायद मैंने कुछ मिस नहीं किया है, कर दिया हो तो भैया माफ करना। चलिए चालू करेंगे हमारे आज के काम के साथ में, ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 12, थोड़ी सी हालत मेरी टाइट है, आई एम सो सॉरी फॉर द सेम, प्लीज कोप विद मी, राइट। चलिए हमें दे रखा है एक्स, सबसे पहले हमें निकालना है एक्स बार, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो उसके लिए एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो भैया चलिए पहले एक्स बार निकालते हैं। सो हमारे एक्स बार का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स है 350, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 60, सॉल्व करने पर एक्स बार मिल गया 50। अब मेरा काम है निकालना एक्स माइनस एक्स बार। चलिए सब में से 50 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 8 माइनस 10, 10, 4 माइनस 12 एंड माइनस 2। फिर हमारा काम इसका स्क्वायर करना, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64, 100, 100, 16, 144 और 4 टोटल करेंगे तो आएगा 432। और यहाँ पे मेरा सम खत्म हो गया। अब तो भैया फॉर्मूला पुट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, वेयर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज 432, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, सॉल्व करने पे, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, सॉल्व करने पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा 7.86। सॉल्व करना आपको आता है, कुछ भी नहीं करना है, दिस इज बच्चा बच्चा क्वेश्चन, एकदम बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, ठीक है, चकाचक एकदम डंडरा डंडर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे नए फॉर्मूले के साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में करने वाला हूँ हमारे सेकेंड फॉर्मूले के साथ में। सो पहले मैं आपको अपना फॉर्मूला लिख देता हूँ। हम फॉर्मूला करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चाहिएगा एक्स बार, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहां पे सिग्मा एक्स है 32, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, सॉल्व करने पे मिलेगा 6.4, मतलब एक तरीके से 6.4 का स्क्वायर ये तो हमें मिल गया है। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, चलिए कॉलम बनाते हैं, एक्स का स्क्वायर करेंगे 25 64 9 36 और 100, टोटल करने पे आ जाएगा 234। ये हो गया मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर 234, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है 5, रूट लगा दो आपको अपना आंसर मिल जाएगा विच गोज टू 2.42। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है 2.42, दैट्स इट, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल गया है दैट इज 2.42। इसके साथ साथ में हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला भी हो गया है, अब एक तीसरा फॉर्मूला बचा है उसका भी चलो भैया लगे हाथ एक सम कर ही देते हैं, क्यों छोड़े किसी के लिए। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट ऑन करने वाले हैं ये वाला, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा, हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डी, और डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। तो भैया कोई अज्यूम्ड नंबर ले लो, जो अच्छा लगे लो, एक्स में से लेना एक्स में से लो, बाहर से लेना बाहर से लो, मैंने बाहर से ले लिया है, मैंने ले लिया है ए है मेरा 135। चलिए एक्स में से माइनस करते जाते हैं, -3 12 5 -15 देन 17 देन 10, टोटल करेंगे आपका आंसर आ गया 1। अब आपको इस डी का स्क्वायर करना है क्योंकि भैया हमें डी भी चाहिए और डी का स्क्वायर भी चाहिए, फॉर्मूले पे ध्यान देना, राइट। डी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, 225, 289 एंड 100, टोटल आ जाएगा 767। सो सिग्मा डी इधर आ जाएगा, 1 अपॉन एन है अपने पास, 3 2 5 5 स्क्वायर, और दूसरा आ गया सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 767 अपॉन 5, इसका रूट कर दो आपको अपना कुल मिला के आंसर मिल जाएगा दैट इज 12.38। आपको अपना फाइनल आंसर मिल गया दैट इज 12.38, और इसके साथ मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी खत्म हो गया है। मैंने आपको तीन फॉर्मूले सिखा दिए, मतलब टोटल 6 में से 3 फॉर्मूले हो गए, खत्म खत्म हो गए, एकदम अच्छे से खत्म हो गए, राइट। आप आराम से पढ़िएगा सर, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, मुझे कभी कभार थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है,
बट डोंट वरी, आपके पास पॉज का बटन अवेलेबल है, करते रहो, वापस समझ में नहीं आए पीछे जाओ वापस आ गया हो, पीछे जाओ वापस आ गया हो, फिर भी समझ में नहीं आए तो भैया कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं लाता रहूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मुझे बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया अबाउट इकोनॉमिक्स, सर बस अगला लेक्चर वही आएगा इकोनॉमिक्स का, पहले ये जो ट्रेंड था पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म के पोर्शन में आपके चैप्टर नंबर 4 तक आ रहा था स्टैट्स, तो मैंने सोचा भैया पहले ये फिनिश कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, और अगर बाई चांस आपके एग्जाम्स हो गए तो आई एम सो सॉरी मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, बट अगले एग्जाम से पहले मेरा पूरा कॉन्टेंट आपके पास होगा, दैट्स अ प्रॉमिस, राइट। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 15, यहाँ आ गया है भैया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गया है। चलिए सबसे पहले सेम फॉर्मूला लगाने हैं फ्रीक्वेंसी वालों के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिएगा एक्स बार, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। चलिए भैया तो पहले एफ इंटू एक्स करेंगे, 0 1 0, 3 1 3, 7 2 14, 3 3 9, 4 1 4, टोटल आ गया 30, सो 30 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15, आपका एक्स बार आ गया है 2। पहला कॉलम एक्स माइनस एक्स बार करना है भैया, सारे एक्स में से एक्स बार को माइनस करो तो आ जाएगा माइनस 2, माइनस 1 0 1 2। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करो तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं भैया, 4 1 0 1 4, टोटल आ जाएगा यहाँ पे आ गया टोटल 10, जिसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, कोई काम नहीं है उसका, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी को, इससे मल्टीप्लाई करिए सर, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सो फ्रीक्वेंसी 4 1 4, 3 1 3, 7 0 0, 3 1 3, 4 1 4, टोटल आ गया 14, टोटल कितना आ गया भैया हमारा, हमारा टोटल आ गया है 14, राइट। चलिए सो इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, ऊपर आ जाएगा 14, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया है 15, इसका रूट लगा दो तो भैया आपका आंसर आ जाएगा 0.97। इसके साथ में मेरा एक फॉर्मूला हो गया है, मेरा एक फॉर्मूला पूरा खत्म हो गया है। अब अगर हम चाहें तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला भी ट्राई कर ले, दैट इज एस इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं इसको भी ट्राई, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास x बार का स्क्वायर है दैट इज 2 का स्क्वायर, हमारे पास n है दैट इज 15, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, राइट। सो एफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा भैया, एफ एक्स हमारे पास है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, कर देते हैं चलो एफ एक्स स्क्वायर भी, तो यहाँ आ जाएगा 0, 3 1 3, 14 2 28, 9 3 27, 4 4 16, टोटल आ गया 74। चलिए तो ऊपर आ जाएगा 74, और मजे की बात ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सर आपको आंसर वही मिलेगा एंड दैट इज 0.97, आपको आंसर मिलने वाला सेम टू सेम दैट इज 0.97। इन शॉर्ट कोई भी मेथड करो आंसर सेम रहेगा, आप स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी मेथड से करिए, आपको ये मेथड पसंद है इससे कीजिए, आपको ये मेथड पसंद है इससे कीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कुछ भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इलस्ट्रेशन के अंदर, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमें वापस एक नया फॉर्मूला स्टार्ट करना स्टैंडर्ड डेविएशन का, सो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालने वाले हैं नए फॉर्मूले से, दैट इज सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, राइट। वी आर गोइंग टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग अ न्यू फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करेंगे, इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा पहले वो देख लेते हैं, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी, एक लेना पड़ेगा ए, हम यहाँ पे ए कुछ भी ले सकते हैं भैया, मैंने ले लिया ए को 8, अंदर से लो बाहर से लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो आ जाएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2। अब एफ इंटू डी करेंगे, 3 2 जा माइनस 6, 5 2 जा माइनस 10, माइनस 8, 0, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2। अब एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 2 जा 18 माइनस साइन गया, 10 2 जा 20 माइनस साइन गया, 8 1 जा 8, 0 7 एंड 4, इसका टोटल आएगा 57, इसका टोटल आएगा माइनस 15। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। चलिए करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया 57 अपॉन एन आ गया 35 माइनस सिग्मा एफ डी आ गया माइनस 15 अपॉन एन आ गया 35, और इस पूरे का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है भैया। अगर इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 1.20, क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर 1.20, कोएफिशिएंट में निकाल लीजिए लगे हाथों,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.20, एक्स बार निकालना पड़ेगा भैया, निकालिए एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालेंगे, दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए कितना भैया आपका 8 है, सिग्मा एफ डी कितना है -15 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके 35 है, सॉल्व करने पे आ जाएगा 7.57। तो यहाँ आ जाएगा नीचे 7.57, सॉल्व कर दीजिए 1.2 डिवाइड बाय 7.57, योर आंसर वुड बी 0.16 और ये आ गया आपका कोएफिशिएंट। क्या हो गया भैया ये आपका कोएफिशिएंट। और इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 16 मतलब एक तरीके से डिस्क्रीट का सारा काम खत्म हो गया है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, हमने डिस्क्रीट पूरा खत्म कर दिया है, राइट? यस बच्चा लोग, तो चलिए आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। ये लास्ट टॉपिक हो गया है कंटिन्यूस क्लास का, राइट? जब भी कंटिन्यूस क्लास दी गई हो सब कुछ सेम डिस्क्रीट जैसा होता है, खाली क्लास का मिड वैल्यू निकाल लो। भैया क्लास दी हुई है, पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है भैया? अब सेम वैसे ही करो जैसे आप आज तक करते आए हो, कुछ भी नया नहीं करना है, राइट? एक्स आई माइनस ए अपॉन सी ले लो, भैया मैंने ए ले लिया है 35 को, कॉमन डिफरेंस तो सबको दिख ही रहा है हमारा 10 का डिफरेंस है, तो हमने 10 ले लिया है, तो आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। एफ इंटू डी करेंगे तो 5 3 -15, 12 2 -24, 31 -30, ये आ गया 0, 50 आ गया, 74 आ गया और 63 आ गया। चलिए अब इसका टोटल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 118। अब एफ डी इंटू डी करना है तो 15 3 45, 22 24 2 48, 31 30, 0 50, 74 2 148, 63 3 189, टोटल गोज टू 510। बच्चों वाला फॉर्मूला है आपका, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया 510, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया आपके 200, माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एफ डी हो जाता है 118, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन 200, इसका पूरे का होल स्क्वायर करके आपको रूट करना है। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 14.84 और इसके साथ साथ आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया, इनफैक्ट पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग यू, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा है और आपने पहले वाले चैप्टर्स भी मेरे साथ साथ में अच्छे से कवर किए हैं, तो स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 आपके लिए चना ममरा हो गया है सर। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी लीम चैप्टर, आई एम वेरी वेरी श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप लोग आराम से बैठ के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए तैयार हो, राइट बच्चा? तो चलिए इसके साथ साथ मैं स्टैटिस्टिक्स को कुछ टाइम के लिए पूर्ण विराम दूंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला इकोनॉमिक्स को लेके, राइट? अब मेरे अगले वीडियो आएंगे इकोनॉमिक्स को लेके, उसके बाद में हम आने वाले हैं अकाउंट्स को लेके, ठीक है? तो चलिए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टैट्स के लिए बाय बाय, राइट बच्चा? विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।